तो देखो यहाँ पर हमें मार्क्स क्या क्या बने मार्क्स हमें कुछ इस तरह से गिवन है तो पहला कॉलम हमारा किसका हो जाएगा मार्क्स का तो ये गिवन बने जीरो राइट ये हमारे इंटरवल्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी क्या हो जाएगी फ्रिक्वेंसी तो बेसिकली हमारी फ्रिक्वेंसी हमें क्या गिवन है सेवन ठीक है ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो यहाँ पे हम इसको जरा कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया तो अभी अगर हमें लेस देन में कन्वर्ट करना है यानी हमें ऑगिव बनाना होगा तो ऑगिव बनाने के लिए हमें लेस देन चाहिए और क्या चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम इसकी तो ये हमारी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है सो देखते हैं ओके तो ये हमारा क्या है ये हमारा फ्रीक्वेंसी है ये हमारी बेसिकली फ्रिक्वेंसी है ओके okay. अब देखो अगर हमें मार्क्स जो है किस में प्रेजेंट करने हैं लेस देन में तो हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो मार्क्स क्या हो जाएंगे बेसिकली हमारे तो देखो ये ध्यान रखना ये जो हमारा इंटरवल uh, होता है इसकी जो अपर लिमिट होती है ये होती है ये हमारा रिप्रेजेंट करती है लेस देन और ये हम शो करते हैं मोर देन ये क्या होता है मोर देन ठीक है अब हमें लेस देन में रिप्रेजेंट करना है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे लेस देन लेस देन 10 बेसिकली इसका अपर लिमिट क्या है 10 तो हम यहां पे क्या लिखेंगे लेस देन 10 अब नेक्स्ट वाले इंटरवल का अपर लिमिट क्या है 20 तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 20 ओके okay? सो so, इसी तरह से हम सबको लिखेंगे ठीक है यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा तो ये हो गया लेस देन 30

के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सेवन तो यानी कि दस से कम कितने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं सात लोगों के मार्क्स आ रहे हैं अब हम आते हैं लेस देन ट्वेंटी पे तो बीस से कम आने वाले बीस मार्क्स से कम आने वाले जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमें सबका सम चाहिए तो बेसिकली क्या हो जाएगा सेवन प्लस नाइन तो सेवन प्लस नाइन कितना हो गया सिक्सटीन तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया सिक्सटीन यही बेसिकली हमारी होती है सिक्सटीन प्लस सिक्स तो 16 प्लस सिक्स कितना हुआ 22 तो यहाँ से हमारे पास आ गया 22 22 ट्वेंटी टू प्लस एट तो ये हो गया 30 इसी तरह से 30 प्लस टेन कितना हुआ 40 तो यानी कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट सम कितना है 40 यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा 40 होगा ये इसके इक्वल होता है तो ये हो गया फोर्टी ठीक है अब हमने डेटा तो निकाल लिया लेस देन का अब हमें क्या करेंगे इसको पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आप लोग इसको ग्राफ टेबल पे रिप्रेजेंट करना हम यहाँ पे रफली बनाते हैं ठीक है सो so, ये हमारा हो गया ग्राफ अब यहाँ पर हमने क्या स्केल लिया है ये हमारा हो गया एक्सिस इस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क्स और इस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सिस स्टूडेंट्स ठीक है अब यहाँ पर हमारा ये हो गया क्या है ये हमारे मार्क्स हो गए और ये हमारे स्टूडेंट्स हो गए और स्केल क्या ले रहे हैं हम तो इस पे हम ले लेते हैं टेन्थ का स्केल और इस पे हमने ले लिया फाइव का स्केल ठीक है तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या गिवन था यहाँ पर हमारे पास क्या था तो less than 10, तो 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 के लिए हमारे पास number of students कितना है 7, cumulative frequency क्या है 7 है क्या क्या यानी पे तो 10 पे हम क्या करेंगे से ऊपर तो थोड़ा यहाँ पर होगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है लेस देन ट्वेंटी पे सिक्सटीन लेस देन ट्वेंटी तो, तो यहाँ पर हमारा फिफ्टीन से ऊपर यहाँ पर होगा ठीक है नेक्स्ट हमें क्या क्या है लेस देन थर्टी पे ट्वेंटी टू तो थर्टी पे हमें कहां पे जाना हमेंटी टू तो ट्वेंटी से ऊपर तो यहां पर हमारा हमारा ये ये हो गया ओके ओके हम हम थोड़ा अंदाज़े से ले रहे हैं आपको पे 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 करना है क्या क्या होगा करेंगे थर्टी तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इधर तो ये हो गया थर्टी राइट तो ये हो गया हमारा थर्टी नेक्स्ट हमें क्या क्या कहना है लेसन फिफ्टी पे फोर्टी तो लेसन फिफ्टी पे हमें क्या मार्क करना है फिफ्टी राइट तो यहाँ से हमारे पास फोर्टी सॉरी तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया फोर्टी राइट सो अब बेसिकली हम इन डॉट्स को ज्वाइन करो so, इनको भी हमने ज्वाइन करवा दिया तो ये हमारा क्या हो गया लेस देन ओके तो इसको हम लिख लेते हैं पे लेस देन ओके ओके सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी चाहिए मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ सौ चार सौ पर